डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं, नाइन्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में जो अभी पढ़ रहे थे वो मोशन चैप्टर, जो कि ये फिजिक्स का चैप्टर था। हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को डिस्कस किए जिसका नाम मोशन था। उसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से, अच्छे चीज़ों को, थ्योरी को लेकर, न्यूमेरिकल्स को लेकर अच्छे तरीके से हम लोग ने उसे कंप्लीट किया फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। तो चूंकि एनसीईआरटी बुक से हम लोगों का मोशन चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो आज हम लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे और हम लोग बात करेंगे कि अब कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए ताकि हम लोग का स्कूल में होने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ायदे हो। ठीक है, तो स्कूल्स में जो एग्ज़ाम्स होती है, वो साइंस के एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी। ठीक है, तो हम यही चीज़ करने वाले हैं कि अब हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़े, तो केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर पढ़ें, बायोलॉजी का भी एक चैप्टर पढ़ें। ऐसे करके हम लोग चीज़ों को एक सर्किल बना लेंगे। जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर हो जाएगा, बायोलॉजी का भी, फिर से हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी। क्योंकि जो भी स्कूल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको सिर्फ फिजिक्स से ही क्वेश्चन आएगा, साइंस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। ठीक है, तो यही सब तरीकों को सोचते हुए हम ये डिसाइड किए हैं कि नाइन्थ क्लास में अब जो है साइंस का सब्जेक्ट में हम लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी को इस ढंग से पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है, समझते चले जाना है, हर एक पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और याद भी करनी है। ठीक है, तो बायोलॉजी में, चूँकि एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी जो है पांचवें चैप्टर से शुरू होता है, तो पांचवा चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब पूरे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब मौलिक, मौलिक का मतलब कि वो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट पूरे लाइफ का, जीवन का, जो सबसे छोटा से छोटा यूनिट है वो क्या है। जैसे अगर हम समय का बात करें, तो समय का छोटा यूनिट क्या है? समय तो हम लोग घंटा में भी बात कर सकते हैं, 2 घंटे भी एक तरीके का समय हुआ, 10 मिनट भी एक तरीके का समय हुआ, और 5 सेकेंड भी एक तरीके का समय हुआ। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल जो हम दिए कि समय मिनट में भी होता है, घंटा में भी होता है, सेकेंड में भी होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये तीनों में सबसे छोटा यूनिट क्या होगा टाइम का, समय का, तो हम लोग बोल देते हैं क्या होगा, तो सेकेंड। तो उसी तरीके से जानना चाहिए कि पूरे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे छोटा यूनिट क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पूरे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के तौर पे हम लोग लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखा जाए। क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, विच ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब सबसे शॉर्ट है, सबसे स्मॉल है पूरे लाइफ का। ठीक है, तो उसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर इज सेल,
ठीक है, दैट इज अगर कोई पूछेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, हम बोलेंगे कि सेल। अब सेल का मीनिंग क्या है? सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जो किसी भी सजीव प्राणी का, लिविंग थिंग्स का, एक छोटी से छोटी फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि कोई भी आप लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, उसका जो निर्माण हुआ होगा सेल से ही हुआ होगा। यानी कि जो सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, सजीव प्राणी हैं, वो किससे बनी होती है? रियलिटी सेल से बनी होती है। अब सेल से छोटी कुछ चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि आपको पता है, समय की बात कर रहे थे, सबसे छोटी इकाई सेकेंड होती है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग, तो सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, हु एंड वेन वाज डिस्कवर्ड ऑफ सेल, डिस्कवर्ड ऑफ सेल। इसका मतलब हुआ कि सेल का डिस्कवर्ड किसने और कब किया था, हु एंड वेन, यानी कि कब किया था, किसने किया था, किसका भाई? तो सेल का डिस्कवर्ड यानी कि सेल का खोज। ठीक है, तो सेल का जो खोज किया था, किया गया था, आपको जानना चाहिए 1665, ठीक है, 1665 किसके द्वारा? रूबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर इज, आंसर लिखेंगे हु यानी कि कौन, तो आंसर करेंगे रूबर्ट हुक एंड 1665। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि सेल का जो डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो राइट आंसर इज रूपर्ट हुक, 1665 ईस्वी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या रहा? सेल रहा। अब सेल में अगर बात करते हैं हम लोग, तो उसका डिस्कवर्ड रूबर्ट हुक ने किया, रूबर्ट हुक और 1665। चलिए फिर आगे हम लोग एक टॉपिक बनाएंगे। अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल, सेल क्या होता है। तो एक टॉपिक बनाएंगे सेल। अब सेल का डेफिनेशन लिखेंगे, इस सेल का डेफिनेशन क्या है लिखेंगे, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव प्राणी का जो सबसे छोटा सा छोटा यूनिट है वो क्या है? सेल है। जहाँ तक कि हम लोग बात करें एनिमल, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा, सभी चीज़ों का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? सेल से हुआ। यानी कि प्लांट में भी सेल है, बिल्कुल, ह्यूमन में भी सेल है, बिल्कुल, यानी कि सभी में सेल होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस जो कभी भी लिविंग थिंग्स दिख रहा है वो कहीं ना कहीं किससे बना है? सेल से बना है। यानी कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, इसमें लिखेंगे सेल जो लिया गया है वो एक छोटा रूम से लिया गया है, यानी कि सेल, नेक्स्ट एरो में लिखेंगे सेल इज लैटिन वर्ड लिटिल रूम। ठीक, यानी कि सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जो किससे बना हुआ है?
लिटिल रूम से बना हुआ है। अब लिटिल रूम का मतलब क्या? लिटिल का मतलब होता है छोटा, लिटिल मतलब छोटा, और रूम मतलब कमरा। यानी कि आप छोटा से छोटा अगर बॉक्स बनाएंगे, ये अगर मान लिया कि कोई सजीव प्राणी है, इसका आप कितना से छोटा रूम बना सकते हैं? हम इतना छोटा से छोटा रूम बना सकते हैं। ऐसे अगर आप इनसे भी छोटा छोटा रूम बना सकते हैं तो बना लो भाई। हम बोलेंगे देखिए इनसे भी छोटा छोटा रूम बन गया, ये छोटा ये छोटा ये छोटा। तो अब जितना छोटा से छोटा रूम लिटिल रूम बना सकते हैं, वहीं से लिया गया है सेल। यानी कि सेल एक लैटिन वर्ड है, जो कहाँ से लिया गया है? सेन का लैटिन वर्ड का मतलब ये हुआ कि लिटिल वर्ड, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा रूम, वैसे ही सेल भी क्या है? एक छोटा रूम की तरह है किसी भी लाइफ का, ठीक है। किसी भी लाइफ का सबसे जो छोटा रूम है, लिटिल रूम है, वो क्या है? सेल है। चलिए अब हम एक फिगर बनाएंगे समझने के लिए कि किसी भी सेल में क्या क्या होते हैं। तो जैसे मान लिया उसके नीचे जो फिगर बनाना है कुछ इस तरीके का बनाना है। देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्मेशन है, हम फॉर्मेशन कर रहे हैं सेल्स ऑफ ओनियन पील। आप कभी भी प्याज का ऊपर वाला जो भाग उखाड़ते हैं, जो हम लोग क्या नहीं खाते हैं, उसके भाग को आप देखिएगा तो पता चलेगा कि उसका जो पील होता है सेल का, कुछ इस तरीके का होते हैं, कुछ इस तरीके के ऑनियन पील होते हैं। कुछ इस तरीके के ऑनियन पील होते हैं। ये सभी सारे ऑनियन पील हैं, देख पा रहे होंगे ये ऑनियन पील हैं, और ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देख पा रहे होंगे आपके पास अगर बुक होगी तो ऑनियन पील का फिगर फ्रेश डायग्राम में दिया हुआ होगा, आप उनको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑनियन पील है। अब जब ऑनियन पील को आप देख पाएंगे तो इसमें दो तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है हर एक पील के बीच में मिडिल में एक पॉइंट्स जैसा दिखाई तो नहीं पड़ता, जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हर पिल के ऊपर, यानी कि जो ऊपर जो खोल होता है प्याज का, जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो ये ऐसा ऐसा आपको न्यूक्लियस के फॉर्म में एक गड्ढा जैसा दिखेगा, और इसी गड्ढा को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम लोग सेल का बात करें तो ये हो गया पूरा सेल, यानी कि ये एक छोटा सा डब्बा हो गया, लिटिल रूम जैसा बन रहा है, उसी लिटिल रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब रॉबर्ट हुक ने एक ऑनियन पील के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो पता चला कि जो उसके पील के मिडिल में कुछ सेंटर दिखाई दिए, किसकी सहायता से देखा गया? तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो उनको बोला गया न्यूक्लियस, और एक छोटा छोटा लिटिल रूम जैसा प्राप्त हुआ उनको बोला गया सेल, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, अब उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखें कि वो कितने टाइप्स का होते हैं। उसके एक्सपेरिमेंट को देखें कि किसको हम लोग सेल्स कहते हैं, किसको न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए आप आगे लिखते हैं एरो देकर, सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं ना, सेल्स कितने टाइप्स होते हैं? लिखेंगे सेल्स हैज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स,
यानी कि सेल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो सेल को मुख्यतः मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। कौन कौन सा टाइप्स भाई? तो पहला इज, पहला यूनिसेलुलर सेल या फिर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर सेल या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि सेल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स का होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनि सेलुलर, यूनि सेलुलर का मतलब होता है वन सेल, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है वन से ज़्यादा, इट मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc, राइट। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक सेल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब एक से ज़्यादा रहेगा मतलब कि 2, 3, 4, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल वैसा सेल होता है और ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा। तो अब हम लोग लिखेंगे, टॉपिक्स बनाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके नीचे एरो देंगे, बोलते हैं आप लिखते चलिएगा, विच ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल अमीबा, क्लामाइडोमोनस पैरामिशियम, एंड बैक्टीरिया, ठीक है। अगर बात किया जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, तो विच ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ वन सेल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आपको याद रखना चाहिए, ये अक्सर आता है कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है कि क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो अमीबा है ये क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये एक सेल से बना हुआ होता है। तो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, दो या तीन पूछता है। तो अमीबा याद कर लीजिएगा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनस, पैरामिशियम, एटीसी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अमीबा, क्लामाइडोमोनस, पैरामिशियम, दिख पा रहा होगा ना, पैरामिशियम एंड बैक्टीरिया। अब वैसे ही अब हम लोग सीखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब टॉपिक बनाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिखा जाए, विच ऑर्गेनिज्म
विच ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें क्या बोला गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है किससे, तो एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन सेल उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलर। तो एक से ज़्यादा जो सेल से बना हुआ होता है उसका एग्जांपल जला देख लेते हैं कि वो क्या क्या एग्जांपल है। उसका एग्जांपल है फंगी यानी कि फंगस, ठीक है, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो मल्टी सेलुलर एक ऐसा सेल है जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है, जैसे फंगस, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा, ठीक है, ETC लिख देंगे। तो हम लोग सीखें कि सेल क्या है, सेल का डिस्कवर्ड किसने किया, सेल का डिस्कवर्ड कब हुआ, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स को मैंने पढ़ा कि मल्टी सेलर और यूनिसेलर क्या है, उसका एग्जांपल को भी देखा, ऑनियन पील के सेल को भी पढ़ा। तो आज हम लोग ने सेल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।